ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज हम खास बात करने वाले हैं शेयर बाजार के ऊपर। तो कल्पेश जी, शेयर बाजार के लिए कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदा या फिर नुकसान हो सकता है? देखो मित्रों, आज शेयर बाजार की बात करेंगे तो सबको छोटे काम में यानी कि धीरे से फटाफट रुपया कमा लेना है, जल्दी से आगे बढ़ना है, और उसके लिए शेयर बाजार के पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो शेयर बाजार की बात करते समय पहले एक शब्द आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो ही शेयर बाजार कीजिए। बाकी कहीं से भी आप उधार लाके यदि करना चाहोगे तो आप इसमें कमा नहीं सकते। दूसरे नंबर में शेयर यानी कि हिस्सा, जिसी की भी कंपनी का आप शेयर लेते हो उसके आप हिस्सेदार हो जाते हो, 10 पैसा 5 पैसा किसी भी प्रकार से उसका हिस्सा आपको मिलता है, तो हिस्से के लिए 7वां स्थान और शेयर बाजार के लिए 5वां स्थान यह काम करता है। तो 5वां स्थान यानी शेयर बाजार है। 5वें स्थान के मालिक की परिस्थिति देखना पड़ता है, आपकी कुंडली में मंगल की परिस्थिति क्या है ये भी देखना पड़ता है, और ये मंगल की परिस्थिति आपके 5वें स्थान के साथ अच्छी है, 7वें स्थान के साथ अच्छी है तो आप शेयर बाजार कर सकते हो। दूसरे नंबर में शेयर बाजार के लिए यदि 5वें स्थान के अंदर राहु अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो वो इंसान को करोड़पति में से करोड़पति बना सकता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप जो कार्य कर रहे हो, तो जो भी आप व्यापार कर रहे हो या जॉब कर रहे हो उसमें जॉब के लिए 6वां स्थान है और व्यापार के लिए 10वां स्थान है, तो 10वें स्थान की परिस्थिति क्या है और वो आपको यदि आपका बिजनेस आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे रहा है तो उससे जुड़े हुए आप शेयर लो तो आपको बेनिफिट करवाएगा। और दूसरे नंबर में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है, यदि शेयर बाजार के ग्रह है लेकिन आपको कौन सा ग्रह बलवान है, सूर्य बलवान है, चंद्र बलवान है, मंगल बलवान है, बुध बलवान है, या गुरु बलवान है, या शनि बलवान है, क्योंकि टोटली कंट्रोल शनि के हाथ में होता है और शनि भी आपका अच्छा है तो ही आप ये बिजनेस कर सकते हो। कई बार देखा होगा कि आपने जो शेयर लिए हैं उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन वही शेयर यदि दूसरा कोई इंसान लेता है तो उसको कई बार बेनिफिट देता है, तो उसके पीछे का कारण आपके ग्रहमान है, आपके ग्रह के अंदर 5वें स्थान के लॉर्ड की स्थिति, 5वें स्थान के मालिक जो होते हैं उसके नक्षत्र की स्थिति, नक्षत्र के अधिपति की स्थिति, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली और नवाज कुंडली को साथ में लेके यदि डिसीजन लिया जाए और उस समय पे जब आप बात करते हो तब आपकी मन की स्थिति यानी उस समय की प्रश्न कुंडली, ये सारी चीज़ों को यदि ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो आपके शेयर बाजार के ग्रह बहुत अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल, यानी इन सब बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की, और इसके साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र, और इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपकी समस्याओं का समाधान आपको जरूर देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ, आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स अहमदाबाद, मोबाइल 9904900300।